1934 मॉडल है और मैंने वो 64 में लिया था, 1964 में आई बॉट दिस। आई हैव ट्रैवल लॉन्ग इन दिस कार। पूना बॉम्बे जो पुराना रास्ता था ना, वो टाइम पे हम यहाँ जाते थे, वन साइड टू की टू हैदराबाद ऑल्सो। तो ऐसे बहुत मेरी प्यारी गाड़ी है ये। 21 गन सल्यूट कॉन्कॉर्स द एलिगेंस का ये 10वां एडिशन है और इसमें आज हम भारत के जो 75 सालों का जो आज़ादी का स्वर्णिम महोत्सव है उसको मनाने के लिए भारत का एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने गौरवशाली एक पर्यटन स्थल बनाया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, हम यहां से 75 गाड़ियों के साथ 75 सालों का जो स्वर्णिम ये उत्सव है इसको मनाने के लिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। इसमें बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं और वो बड़ी शालीनता से गुजरात की जनता को रास्ते में दर्शन देते हुए लेते हुए पहुँचेंगी स्टैचू ऑफ यूनिटी। और हम बड़े उत्साहित हैं आज ये जो लाइनअप हुआ है गाड़ियों का, ये सब स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचेगा यहाँ से। यहाँ आने वाली हर गाड़ी खास है क्योंकि 21 गन सल्यूट कॉन्कॉर्स द एलिगेंस में जो गाड़ी एक बार दिखाई जाती है वो दोबारा नहीं दिखाई जाती है, तो हर साल नयापन होता है। और भारत मोटरिंग टूरिज्म हेरिटेज मोटरिंग टूरिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया में अग्रणी है। हमारे पास संख्या थोड़ी कम है आज, परंतु जो महाराजाओं ने अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीदी वो उनकी वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में आता है। और बड़ी खुशी की बात है मैं कि MG मोटर्स जो कि वडोदरा की धरती पर इतने लोगों को रोज़गार भी देती है और इतना बड़ी फैक्ट्री लगाई उन्होंने, उसकी भी 14 गाड़ियाँ आज MG की इस रैली में भाग लेंगी। तो वो भी एक उनके लिए और हमारे लिए भी बड़ा एक वो एक रिकॉर्ड तरह का कायम होगा कि इतनी संख्या में MG की गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, मैं 2-3 इवेंटों में आगे भी गया हूँ, पर ये खुशी का मौका होता है कि आप इतनी मेहनत करके कोई चीज़ बनाते हैं और जब लोग उसे देखते हैं और उसकी पर कमेंट्स आते हैं या तारीफ़ करते हैं तो आपको लगता है कि आपने जो 5-10 साल इसके पीछे मेहनत करी एक बच्चे को बड़ा करने की तरह, वो कामयाबी की खुशी अलग होती है। जो गाड़ी आजकल हमें रास्ते पे ये दिखाई देती नहीं है, ये कोई गाड़ियाँ 50-60 साल के ऊपर की गाड़ियाँ हैं और जो इनके लोग जो ओन करते हैं गाड़ियाँ, ये शौकीन लोग हैं, गाड़ियों की माहिती इनके, इन्होंने खूब केयर से ये गाड़ियों को रिस्टोर किया है। और ये गाड़ियाँ एक ज़माने के लिए बनाई गई थी, काफ़ी स्टेट उस समय के स्टेट राजा महाराजों के पास ये गाड़ियाँ हुआ करती थी, ये मेड टू ऑर्डर गाड़ियाँ हुआ करती थी। और आज ये गाड़ियाँ हमें वडोदरा में देखने को बहुत स्पेशल मौका मिल रहा है।